नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप सभी मेरे साथ मौजूद है हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर। हम बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। ताजनगरी आगरा के फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से भाजपा सांसद राजकुमार चाहर ने अपने बेटों की शादी में पूरे जिले को निमंत्रण भेजा था। यह कार्यक्रम पूरे चारवाटी क्षेत्र सहित आगरा जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि सांसद की ओर से गांव-गांव में लाउड स्पीकर से न्योता दिया जा रहा था। संसदीय क्षेत्र के हर गांव में न्योता देने के लिए गाड़ियां लगाई गई थीं। इसके अलावा सांसद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी तिलक समारोह का कास्ट पोस्ट कर सबको चूल का निमंत्रण दिया था। सांसद राजकुमार चाहर किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके दोनों बेटे सूरबीर और करमबीर की शादी होनी है। करमबीर की शादी जहां 25 नवंबर की है तो सूरबीर की शादी 7 दिसंबर की है। दोनों की बारात दिल्ली जाएगी मगर दोनों की सगाई तलक का कार्यक्रम एक साथ आज यानी कि 19 नवंबर को कागारोल के रफ़ी अहमद किदवई इंटर कॉलेज में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रतिभाग किया। सुबह लगभग 10 बजे से ही प्रीत भोज का कार्यक्रम शुरू हो गया था जो देर रात तक लगातार चलता रहा। इसमें लगभग 2 से 3 लाख लोगों के खाने की व्यवस्था की गई थी, जिसमें लाखों की संख्या में लोग दावत में पहुंचे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कई दिन से हलवाई लगे थे। हलवाइयों ने बताया है कि वह 850 लोग दावत का कार्यक्रम करने के लिए मथुरा से चलकर यहाँ पहुँचे थे। चारवाटी क्षेत्र के साथ साथ आपको बता दें कि पूरे जिला आगरा के प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, गणमान्य व्यक्ति, विधायक, मंत्री सभी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए पहुँचे। आपको बता दें, आप देख रहे हैं किस प्रकार बड़ी संख्या में लोग यहाँ दावत का प्रसाद ग्रहण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि एक विशालकाय मंच भी बनाया गया जिस पर अतिथियों के स्वागत सम्मान का सिलसिला चल रहा था। आपको बता दें कई मंत्री, कई विधायक, क्षेत्रीय विधायक सहित सभी जनपद और बाहर से भी मंत्रीगण इस समारोह में पहुंचे। तो देखिए किस प्रकार यहाँ के लोगों का कार्यक्रम रहा और क्या कुछ कहना है वक्ताओं का, जानिए आप हमारे साथ। श्री गोपाल, आपने यहाँ किस प्रकार की व्यवस्था करवानी है, कितने लोगों का खाना है, कितनी टीम लगाई गई है, क्या कुछ है, कितने दिन से चल रहा है ये काम? ये 5 दिन से चल रहा है ये काम। इसमें करीब मैंने अपने 850 लेबर लगाई है 5 टीमों के द्वारा, और इसमें करीब मेरे हिसाब से आज के अब तक 1.5 से 2 के बीच में भोजन पा चुके हैं लोग। डेढ़ से दो लाख 1.5 से 2 लाख और हमने 3.5 की बीच में तैयारी की है। इससे पहले कभी इस तरीके की दावत? हाँ, इससे पहले तो हमने हिसाब से पूरी की है 100, 200, 500 अपने जीवन में। नहीं, इतने लोगों की दावत इससे पहले? हाँ, इससे पहले 500 कई की है, 500 दावत की है। किस प्रकार की तैयारी थी, क्या कुछ था इसमें? सारी तैयारी थी, यहाँ तो मीठे भी बहुत ज्यादा थे, देसी घी की थी, कहीं तो कम भी होते, पुआ पुआ ही हो जाते। यहाँ तो मालपुआ भी है, हमारे लड्डू हैं, मोहन थाल है, देसी घी में लाजवाब है। जो देखो हमारी बर्फी, दो दो सब्जियाँ, एक आलू मटर है, एक मिक्स वेज गड्ढ की है, पूड़ी है। ऐसी दावत तो चार साहब की जो बड़ी अनोखी दावत रही, और हमारे तो ब्रिज की दावत है, हम तो ब्रिज के रहने वाले हैं, मथुरा जिले के कोसी। कोसी के रहने वाले? जी हाँ, कोसी के साथ कामरगाम पड़ता है हमारा। जी, मैं सूरज बेनीवाल, आज के इस कार्यक्रम का संचालन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। कार्यक्रम सुबह 10 बजे से चल रहा है और लगभग 2 लाख भक्त यहाँ प्रसाद ग्रहण कर चुके हैं। मेरा काम रहा आदरणीय श्री चोप सिंह जी सक्सेना जी, मैंने जोश पैदा किया। मैं कवि हूँ, राइटर हूँ, लेखक हूँ, मैंने नौजवानों में, कार्यकर्ताओं में जोश पैदा किया कि हौसला ना होता तो टूट चुके होते, जिंदगी की दौड़ में पीछे छूट चुके होते। ये हौसला ही तो आपका जुनून है और ये हौसला ही आपकी रगों में बहता हुआ खून है। मैं यहाँ देख रहा हूँ यहाँ के वरिष्ठ नागरिक और नौजवान सभी मिल कर के बड़े सहयोग की भावना से सुबह से लगे हुए हैं। उनके चेहरे पर थकान नहीं है,
तो मुझे कहना पड़ता है कि बुझी हुई समा के साथ कोई परवाना क्या जलेगा, जलती हुई समा के साथ लाखों जलते हैं, और जिसे खुद पर यकीन नहीं उसके साथ कोई क्या चलेगा, जिसे खुद पर भरोसा है उसके साथ जमाने चलते हैं। आज का ये कार्यक्रम माननीय सांसद श्री राजकुमार चाहड़ जी, जो कि जनप्रिय नेता है हमारे इस इलाके के, उन्होंने जहां भी निमंत्रण दिया वहां से सभी लोग यहां पधारे हैं, पहुंचे हैं, और ये उत्सव आज का महोत्सव में तब्दील हो गया है। आप यहां पधारे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हृदय की गहराई हो। मेरा नाम ग्राम अकोला है, से है जी, हमें यहाँ कार्यकर्ता के रूप में देख रहे हैं का मामला। हमारे यहाँ के कार्यकर्ता के प्रधान है राजवीर सिंह ब्राह्मण, और हमारे प्रधान है ब्लॉक प्रमुख राजू है, हमारे ब्लॉक प्रमुख है गोबर सिंह जी है, इन्होंने ये कमान संभाली, यहाँ बाकी का नाम रोशन किया। जैसे ही सांसद जी को सांसद बनाया, जैसे ही प्रोग्राम को हम लोगों ने सफल बनाने का संकल्प लिया, और करीबन करीबन क्षेत्र के जहाँ निमंत्रण गए हमारे माननीय सांसद जी के, वहाँ से कम 2 लाख लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया, और अभी भी आवागमन है, ये एक उसमें देखने लायक ही उत्सव है। मेरा नाम डॉक्टर नेम सिंह चौधरी है, मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे का प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं लोकप्रिय सांसद फतेहपुर सीकरी श्रीमान राजकुमार चाहड़ जी के 2 बेटों की सगाई लग्न का सामूहिक भोज है। एक तो लोकप्रिय सांसद है उसके वजह से, और इतना बड़ा आयोजन इस क्षेत्र में चारबाटी की बावन धरती पर पहली बार किसी जनप्रतिनिधि ने किया है। यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, चारबाटी के कार्यकर्ताओं ने, आसपास के गांवों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, मैं उनको अपने हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। इससे पहले भी इस प्रकार के आयोजन हुए हैं? हाँ, आगरा जिले के अंदर ऐसे आयोजन हुए हैं, पर इतना सफल नहीं हो पाया है। कई कार्यक्रमों में तो 2 बजे ही सीटी बज गई है, यहाँ आप देख रहे हैं शाम के 5 के लगभग बजे हुए हैं, और पूरा कार्यक्रम सफलता की ओर चल रहा है। मैं चौधरी हिम्मत सिंह, ग्राम प्रधान मलपुरा, आज इस किदवई इंटर कॉलेज के प्रांगण में हमारे माननीय सांसद जी के बेटों की तिलक समारोह के अवसर पर जो प्रतिभोज हो रहा है, वो प्रतिभोज बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि यहाँ सुबह से ही लाखों की संख्या में लोगों ने भोजन किया है और आपस में सभी से मिलजुल रहे हैं। यह एक बहुत ऐतिहासिक जो है भोज हो गया है, और सभी लोग सांसद जी के दोनों बेटों को अपने मन से जो है आशीर्वाद दे रहे हैं। इस प्रकार का प्रोग्राम पहले भी कभी हुआ है? इस प्रकार के प्रोग्राम हुए हैं, लेकिन वो छोटे हुए हैं। ये प्रोग्राम अपने आप में बहुत ही विशाल रूप धारण कर चुका है, क्योंकि यहाँ आने वालों की संख्या अभी तक जो है कम नहीं हो रही है। आनंद के साथ अपने कार्य को बखूबी निभा रहे हैं। आज फतेहपुर सीकरी के यशस्वी सांसद परम आदरणीय श्री राजकुमार चाहड़ जी के दोनों सुपुत्रों की तिलक समारोह है। आज लाखों की संख्या में ये लक्ष्मी मेला चल रहा है। सुबह 10 बजे से दावत का शुभारंभ हो गया था और देर रात तक चलेगा। शाम के लगभग 5 बजने वाले, भीड़ का कोई अभी आना बंद नहीं है, लगातार भीड़ आती जा रही है, व्यवस्थाएं सारी सुचारू रूप से चल रही है, और सुबह से कम 1.5 लाख लोगों ने अब तक भोजन कर लिया है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हूं मेरे साथ फतेहपुर सीकरी के सांसद, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहड़ के दोनों बेटों के तिलक में। आपको बता दें यहां सुबह 10 बजे से दावत का प्रोग्राम शुरू हो चुका है। आप मंच की तरफ देख रहे हैं, यहाँ VIP लोग पहुंचे हुए हैं, सभी लोग पत्रकार बंधु भी पहुंचे हैं, साथ ही साथ सभी सांसद वगैरह भी पहुंचे हैं, और आप यहां देख रहे हैं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सुबह से ही लगे हैं। हलवाई ने बताया है कि 850
हलवाइयों के साथ उन्होंने व्यवस्था संभाली है और यहाँ लगभग 2 लाख लोग खाना अब तक प्रसाद ग्रहण कर चुके हैं, खाना खा चुके हैं। और आप देख रहे हो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये कार्यक्रम सुचारू रूप से इसी प्रकार चल रहा है। और आपको बता दें कि यहाँ चारवाटी क्षेत्र के सभी प्रधानों, सभी प्रमुख लोगों के द्वारा व्यवस्था संभाली गई है। चौब सिंह सक्सेना, आगरा।